कमलनाथ के अखिलेश व अखिलेश वाले बयान के बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों जगह सियासत गरमाई हुई है। पहले इस मामले में अखिलेश यादव का बयान सामने आया था, अब सपा नेता रामगोपाल यादव की इसमें एंट्री हुई है। रामगोपाल यादव से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा, कमलनाथ मेरे अच्छे दोस्त हैं। इससे पहले रामगोपाल यादव ने कमलनाथ को छुट भैया नेता कहा था, आप भी सुनिए। अब कांग्रेस के तमाम नेता जो है अनर्गल के समाजवादी पार्टी के लिए बोल रहे हैं, कमलनाथ ने भी कुछ स्टेटमेंट दिए। रहने दो यार, हमें इन पर कुछ नहीं कहना है, छोटे भाई ये नेता है। अरे इस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है, अखिलेश कम कर चुके हैं, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। वही कमलनाथ के बयान पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी, उन्होंने क्या कुछ कहा था वो भी सुनिए, और एक बार फिर कमलनाथ ने क्या कहा था वो भी सुनिए। पूछा गया कि आपके बारे में, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश अखिलेश क्या है। हाँ ये बात तो ठीक कही उन्होंने कि अखिलेश कौन है, अखिलेश तो है ना। तो अगर ये बातें अगर कहेंगे तो समाजवादी पार्टी भी इन बातों को कह सकती है, लेकिन उन उन उलझनों में हम नहीं फंसना चाहते। कमलनाथ जी से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, और नाम देखो इनका कितना अच्छा है, जिनके नाम पे ही कमल हो, जिनके नाम में ही कमल हो, तो अखिलेश ही कहेंगे और क्या, अखिलेश तो नहीं कहेंगे ना। सर सारी टिकट आ गई है सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का माहौल है प्रदेश? बहुत बढ़िया माहौल है, सब जगह लोग फोन करके कह रहे हैं, बहुत उत्साह है, और इतनी संख्या से हम सोच रहे थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और सपा वैसे तो हर जगह साथ नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही बात मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की आई तो कांग्रेस ने सपा की सीट से अपने उम्मीदवार को भी टिकट दे दिया। कांग्रेस के इस फैसले से सपा को बड़ा झटका लगा, जिसे लेकर अखिलेश ने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर प्रदेश में गठबंधन नहीं होगा तो राष्ट्र स्तर पर भी गठबंधन नहीं होगा। वहीं कांग्रेस यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस पर क्या कुछ कहा था जाते जाते वो भी सुन लीजिए। वो भी बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, और जब आपकी वहाँ कोई स्थिति मजबूत नहीं है, आपकी वहाँ पे आपकी स्थिति कोई ताकतवर नहीं है, तो निश्चित है अगर आप इंडिया गठबंधन को और भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं तो जो दल वहाँ लड़ेगा, जो दल वहाँ मजबूत होगा, तो निश्चित आपको वहाँ समर्थन करना चाहिए था मध्य प्रदेश में और साथ देना चाहिए। हम सब यही कहेंगे, उनसे आग्रह यही करेंगे कि भाई आप पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को अगर आपको शिकस्त देना है तो कांग्रेस को वहाँ मदद करिए, क्योंकि वहाँ लड़ाई हमेशा से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रही है मध्य प्रदेश में, तो वहाँ आपको कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। लेकिन अभी वो जब गए अपने कैंपेन में तो वहाँ के लोकल नेताओं का के बारे में उन्होंने अपने वैली में उनका बारे में कहा, उससे पहले जब उत्तराखंड के बागेश्वर सीट की बात करी जाए तो वहाँ पे भी समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतार ही दिया था, तो क्या लग रहा है बात बन पाएगी नहीं बन पाएगी, क्या स्थिति हो सकती? अब बात बनना या आगे बनाना ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, मेरा सुझाव देना या अपनी बात को कहना ये हम सबका काम है, और अपना काम तैयारी करना। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश में कहा कि 80 सीट की हमारी तैयारी है, तो हम 80 सीट की अपनी तैयारी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम अभी कानपुर में थे, कानपुर में जबरदस्त तरीके से वहाँ की तैयारी चल रही है, कल पूरा दिन भर कानपुर के अंदर और फतेहपुर खागा लगभग 13 जनपद के लोग बुंदेलखंड के सभी लोग वहाँ आए थे, और जबरदस्त तैयारी है, हम अपनी पूरी 80 सीट की तैयारी कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं अखिलेश यादव की राज्य स्तर पे भी कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही है और इस तरह से चीजें नहीं होती, क्योंकि गठबंधन में चेक एंड बैलेंसेस की बहुत जरूरत होती है, इस तरह से नहीं कि आप हर जगह चाहेंगे तो इस तरह से नेतृत्व नहीं हो सकता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखिए चेक एंड बैलेंस अगर आप देखेंगे तो घोसी में सब समर्थन किसने किया, सबसे पहले घोसी का समर्थन कांग्रेस ने किया और बिना मांगे समर्थन कर दिया, बड़ा मन दिखाते हुए, क्योंकि अगर घोसी हम लड़ते तो हो सकता है चुनाव हार जाते ही। अगर घोसी में खाली मौखिक समर्थन था, वहाँ पे जमीनी समर्थन तो नहीं देखने को मिला, कहना ये कि किसी और पार्टी ने आके कैंपेन नहीं किया उनके कैंडिडेट के लिए? हमारे पूरे हमारे सारे लोगों ने आके वहाँ पे जाकर कैंपेन किया, कौन सा ऐसा व्यक्ति नहीं गया? हमारे वहाँ के इंचार्ज जो प्रदेश के प्रभारी हैं, वहाँ के महासचिव हैं, गाजीपुर के जिलाध्यक्ष, आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष, मऊ के जिलाध्यक्ष दिन रात काम किए हैं, वो अपने कैंडिडेट से पूछ सकते हैं सुधाकर सिंह से कि कांग्रेस के लोगों ने वहाँ समर्थन किया है कि नहीं किया है, पूछ लें। अगर वो कैसे वहाँ अगर उनका कैंडिडेट ये कह देगा कि कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया है, तो मैं उनके बात से वाकई आप सहमत हो जाऊंगा कि नहीं वो सही बात बोल रहे हैं।
आप अपने वहां के जो कैंडिडेट जीते हैं सुधाकर सिंह जी, उनसे पूछ लें कि कांग्रेस ने समर्थन किया है, जमीनी स्तर पर समर्थन किया है कि मौखिक किया है, कि इनके लिए वोट डलवाया है, ये मदद नहीं की है, ये सुधाकर सिंह प्रमाण है, पूछ लें उनसे, सामने आ जाएगी सारी चीजें। घुमा के बात मैं नहीं करता, मैं सीधे बात करता हूँ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।